गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज विमाओं के ऊपर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल वेग समीकरण दिया हुआ है आपको, ये लिखा है वी इज इक्वल ए टी प्लस बी अपॉन टी। इसमें ए और बी की विमाएँ बतानी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ जुड़ी हुई है या घटी हुई है, वो तभी जुड़ी या घटी हैं जब उनकी विमाएँ सेम हों। सेम विमाओं वाली चीज ही आपस में जुड़ सकती है, वही राशियां आपस में जुड़ सकती हैं जिनकी विमाएं सेम है, या वही घट सकती हैं। तो इसका मतलब देखिए कि जो विमा इसकी है वही विमा इसकी होगी, राइट। और एक चीज आपने और पढ़ी है कि इधर वाले पक्ष की विमा उधर वाले पक्ष की विमा के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि वी की विमा बराबर ए टी की विमा। अब वी की विमा क्या होती है, ये वेग है, वेग होता है एल टी माइनस वन इक्वल ए, ए की विमा आपको निकालनी है, टी की विमा होती है टी, ये टी इधर आ जाएगा तो माइनस वन और बढ़ जाएगा, तो ए की विमा हो जाएगी आपकी एल टी माइनस टू, ये थी ए की विमा। इसी तरह से बी की विमा यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, देखिए ये लिखेंगे वी की विमा बराबर होगी b अपॉन t की विमा। तो v की विमा क्या है, एल टी माइनस वन इक्वल b, इसकी विमा का आपको पता नहीं है नीचे, अपॉन में t है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो t से t कैंसिल हो जाएगा, एक पावर माइनस में आएगी एक प्लस में आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी b की विमा बराबर l। हमेशा बड़े बड़े बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो ए की विमा ये रही, बी की विमा ये रही। ये था क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर वन। अब बात करेंगे आंसर नंबर टू की, उसमें क्या कहा गया है। वान डर वाल गैस समीकरण में आपको ए और बी की विमाएं बतानी है। अब इस समीकरण में आपको पता होना चाहिए पी क्या है, पी होता है दाब प्रेशर, और वी क्या है, वी है आयतन। तो देखो ये वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है, यानी पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और दूसरा दिया है v माइनस डी इज इक्वल आर टी। ये समीकरण था, ये वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा p की विमा बराबर a अपॉन v स्क्वायर की विमा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, देखिए p की विमा क्या होगी, p की विमा होती है तुम्हारी, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की विमा होगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल टू, ये ऊपर चला जाएगा, इसको एक मिनट रुको। पी की विमा क्या होगी, पी की विमा आप अलग से निकाल के देख सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपने विमा रख दी इज इक्वल, ए की विमा आपको पता नहीं है एज इट इज रखेंगे, वी होता है आयतन, इसकी विमा एल क्यूब होती है लेकिन स्क्वायर है, तो एल क्यूब की पावर टू यानी एल की पावर सिक्स, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम एल माइनस वन, ये सिक्स यहाँ से आएगी, की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू, ये विमा हुई है आपकी ए की विमा। इसी तरह से आप लोग वी माइनस वी में क्या होगा, वी की विमा बराबर होगी बी की विमा के, जब ये आपस में घटे हैं ना तो इसका मतलब इसकी विमा के इक्वल है। वी होता है आयतन, तो आयतन की विमा एल क्यूब होती है, और ये हो गई आपकी बी की विमा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे विमाओं के ऊपर आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।